नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 15 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट जिन्हें आप पानी में आराम से ग्रो कर सकते हैं। बिना मिट्टी और बिना खाद के केवल पानी में सालों तक ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। ये सारे घरेलू प्लांट हैं जिन्हें आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसपास ही आपको इनकी कटिंग मिल जाएगी। ये सारी कटिंग्स मैंने अपने गार्डन के प्लांट से ही लगाए हैं। हमारे कुछ मित्रों के कमेंट्स थे कि पानी में लगाने से उनकी कटिंग्स गल जाती है। कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे तो पानी में आपकी कटिंग खराब नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट है, पानी में कटिंग लगाने के लिए आप जो भी बर्तन यूज करें वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट को सीधी रोशनी मिल सके, क्योंकि सभी प्लांट्स को हवा और रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए आप डिस्पोजल कांच के गिलास, कप, जो भी आपके किचन से निकले हुए हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं या कांच की पुरानी बोतलें भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से प्लांट्स पानी में लगाए हैं और साथ ही इसकी केयर टिप्स भी बताती चलूँगी। सबसे पहले नंबर पर आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के साइड से जो छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनको आप पानी में लगा सकते हैं। पानी में डालने से इसमें केवल 3-4 दिन में ही रूट्स आ जाती हैं। ये देखिए, मैंने 6-7 दिन पहले ये पानी में डाला था और देखिए कितनी अच्छी सी इसमें जड़ें आ गई हैं। स्पाइडर प्लांट को पानी में डालने के लिए आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, वरना इसकी पत्तियाँ जो हैं वो गलने लगेंगी। जिस बर्तन में आप लगाएँ उसकी तली में स्टोन वगैरह डाल दें। मैंने एक प्लांट नर्सरी से लाया था तो उसमें ये कंडी निकली हुई थी छोटी सी, वही मैंने इसमें नीचे डाल दी है। और नीचे तली में ये वाइट स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे, वो मैंने डाले हैं। स्पाइडर प्लांट की सारी पत्तियां नीचे से ही निकली हुई होती हैं तो इन्हें हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये पानी में ना डूबने पाए तो हम इतना ही पानी रखेंगे कि केवल इसका नीचे वाला पोर्शन जो है वो पानी में टच होता रहे। पत्तियां अगर इसकी पानी में डूब जाएंगी तभी ये प्लांट खराब होता है। इस तरीके से स्पाइडर प्लांट को पानी में लगाएंगे तो ये खराब नहीं होगा। दूसरा ये है वंडरिंग जू। इसकी भी कटिंग पानी में आराम से लग जाती है, लेकिन इसकी जड़ें बनने में 8-10 दिन लग जाते हैं। ये देखिए, इसकी बहुत बारीक बारीक जड़ें होती हैं। 4-5 दिन में इसका पानी चेंज करते रहें और नीचे की साइड से देख लें, अगर कोई पत्तियाँ खराब या गली दिख रही हैं तो उनको निकालते रहें। और अगला ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो शायद आपने भी लगाया होगा। मनी प्लांट की कटिंग जब भी आप लें तो इसके 1 या 2 नोट पानी में ज़रूर जाना चाहिए और नीचे के साइड की पत्तियों को आप निकाल दें। 5-6 दिन में पानी चेंज करते रहें और प्लांट को अच्छे से धुल दें, बस ये प्लांट अच्छे से चलता रहेगा। मनी प्लांट मैंने और भी 1-2 पॉट में डाला है जो कि 2-3 साल से बहुत अच्छे से चल रहा है। अगला ये है डेविल्स बैकबोन। ये प्लांट भी पानी में सालों तक बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए, ये प्लांट मेरा 1 साल से पानी में चल रहा है। जड़ें जब ज़्यादा पड़ें या मोटी हो जाएं तो उनको नीचे की साइड से थोड़ा थोड़ा सा काट दें। ये भी डेविल्स बैकबोन है। इसे मैंने 3-4 महीने पहले पानी में लगाया था और देखिए इसमें कितनी अच्छी वाइट कलर की रूट्स हैं। इसमें जड़ें आने में 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं। लगाने के बाद इसे आराम से पड़ा रहने दें पानी में, 4-5 दिन में पानी का चेंज करते रहें। और ये देखिए, ये है बेबी टीयर्स। इसकी भी कटिंग पानी में लग जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी कटिंग आप पानी में लगा रहे हैं उसे धूप में नहीं रखना है, बस इनडायरेक्ट सनलाइट में ही ये अच्छे से ग्रो करती हैं। और ये है ड्रेसिना बेबी डॉल। ये भी प्लांट जितने अच्छे से मिट्टी में चलता है उतने ही अच्छे से ये पानी में भी ग्रो करता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स इसमें आई हैं। ये लगभग 2 महीने का रिजल्ट है। जब मैंने मिट्टी में इसकी कटिंग लगाई थी उसी टाइम मैंने ये पानी में भी ये कटिंग डाल दी थी। और ये है पर्पल हर्ट। मिट्टी में लगाने पर ये प्लांट धूप और छाया दोनों में ही चलता है, लेकिन पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए आप, इसमें कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं। और इसके बाद अगला प्लांट है सिंगोनियम का। पानी में कटिंग लगाने के लिए मैंने ये आर्टिफिशियल जो पॉट था वो भी यूज किया है। और सिंगोनियम ये देखिए, मेरा 2 साल से इसी पॉट में चल रहा है। कई बार मैं इसकी रूट प्रूनिंग भी कर चुकी हूँ। इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कितनी मोटी और हेल्दी हो गई हैं। इस पॉट में भी नीचे की साइड से मैंने ये वाइट स्टोन डाल दिए हैं। तली में स्टोन डालने से प्लांट भी फिक्स रहता है और अगर पॉट हल्का है तो ये स्टोन सपोर्ट भी करते हैं।
और अगला प्लांट है गिलोय का, जिसे हम अमृत बेल भी बोलते हैं। अमृत बेल शायद इसीलिए बोलते हैं कि आप इसे कहीं भी कैसे भी डाल दें, ये आराम से सरवाइव कर जाती है। ये देखिए 2-3 इंच का टुकड़ा जिसमें एक भी पत्ती नहीं थी, ऐसे ही मैंने पानी में डाल दिया और ये देखिए बहुत अच्छे से ये लग गई है और इसमें पत्तियां भी आ गई हैं। ये देखिए मैंने करी पत्ता की भी कटिंग डाल दी थी तो इसमें पत्तियां तो आ गई हैं पर अभी जड़ें नहीं आई हैं। ऐसे ही मैं कई तरह की कटिंग्स पानी में ट्राई करती रहती हूँ। ज़्यादा पुराने प्लांट जब पानी में पड़े रहते हैं तो उसमें जड़ों में गुच्छे बन जाते हैं, तो इनकी जड़ों की आप कटिंग कर दें नीचे से। ये देखिए मनी प्लांट मेरा 2 साल पुराना है और इसके नीचे से मैं कई बार जड़ें काट चुकी हूँ। अगला ये बहुत अच्छा प्लांट है लाल सा का, धूप में रखने पर इसकी पत्तियां रेड कलर की हो जाती हैं। क्योंकि ये मैंने पानी में लगाया है तो छाया में रखा है, पत्तियां हरी हैं, लेकिन ये देखिए आप इसकी जड़ें कितनी अच्छी इसमें बन गई हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि 3-4 दिन में ही जड़ें आ जाती हैं। और ये है पान का पौधा, बेटल लीफ प्लांट को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। लगभग 20 दिन पहले मैंने इसे पानी में डाला था और अब इसमें देखिए छोटी सी पत्ती भी दिख रही है ये साइड से, लेकिन अगर आपको इसमें ज़्यादा पत्तियाँ चाहिए तो आप मिट्टी में ही लगाएं, क्योंकि पानी में ये लग तो जाता है लेकिन जितनी अच्छी ग्रोथ इसकी मिट्टी में होती है उतनी पानी में नहीं होती है। आप केवल टेबल पर रखने के लिए इसे पानी में लगा सकते हैं। और अगला ये है स्नेक प्लांट, ये भी पानी में लग जाता है। अभी मैंने इसको 3-4 दिन पहले ही पानी में डाला है तो ज़्यादा इसमें रूट्स नहीं आई हैं। और अगला प्लांट ये है मॉन्स्टेरा का, मनी प्लांट की तरह ये भी पानी में अच्छे से चलता है लेकिन इसमें जड़ें बनने में काफ़ी समय लगता है। जब भी आप इसकी कटिंग लें तो इसमें 1-2 एरियल रूट्स भी हों और नोड्स भी हों तो इसमें बहुत जल्दी जड़ें आने लगती हैं। ये देखिए मनी प्लांट, सिंगोनियम और मॉन्स्टेरा, इन सभी की कटिंग्स को आप इस तरह से लेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। पानी में लगाने के लिए एक और बहुत अच्छा कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन, इसमें केवल 4-5 दिन में बहुत अच्छी जड़ें आ जाती हैं, तो ये स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। ये तो मैंने आज ही डाला है पर ये मेरा दूसरी साइड रखा था, ये देखिए आप इसमें कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं। पानी में आसानी से ग्रो करने के लिए आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप छोटी सी जगह में बिना मिट्टी और खाद के केवल पानी में ग्रो कर सकते हैं। कम जगह में ज़्यादा प्लांट लगाने के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था। अगर आपके पास जगह कम है तो आप स्मॉल टेबल गार्डन के लिए हमारे चैनल पर वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।